अस्पताल होने के फलस्वरूप यहाँ काफी पेशेंट्स का काफी प्रेशर है। पंखे चल रहे हैं इमरजेंसी में, ऐसी थोड़ा सा मुझे लगता है वोल्टेज के हिसाब से या कुछ जो भी है वो थोड़ा ठीक नहीं काम कर रहा है। जिला अस्पताल होने के फलस्वरूप यहाँ काफी पेशेंट्स का काफी प्रेशर है। जैसा पीएमओ साहब बता रहे हैं तकरीबन 3000 के आसपास ओपीडी रहती है, तो व्यवस्थाओं में निश्चित तौर पे इतना प्रेशर रहने पर थोड़ी कमी हो सकती है। वैसे साफ सफाई काफी अच्छी है, पेशेंट्स को ढंग से देखा भी जा रहा है और इमरजेंसी में भी जो है प्रॉपर उनको ट्रीट किया जा रहा है। बाकी सभी जो भी कमियां हैं उनको डॉक्टर साहब को पीएमओ साहब को एडवाइस कर दिया गया है और उत्तरोत्तर इसमें प्रगति करने का प्रयास करें। क्या क्या कमी है? क्या क्या कमी पाई गई? कमी जैसे एक तो पेशेंट्स का प्रेशर रहने के फलस्वरूप जो है सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वार्ड्स के बाहर या जो आपका पेशेंट्स को जो डॉक्टर्स देखते हैं उनके पास में जो है सिक्योरिटी गार्ड रहनी चाहिए, नहीं रहने के फलस्वरूप जो है थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है। लोगों के पेशेंट्स के बैठने की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, उसके संबंध में भी इनको बता दिया गया है, तो बेंचेज वगैरह की व्यवस्था की जाए। अभी सर पंखे एसी कूलर वगैरह सब पंखे चल रहे हैं इमरजेंसी में, एसी थोड़ा सा मुझे लगता है वोल्टेज के हिसाब से या कुछ जो भी है वो थोड़ा ठीक नहीं काम कर रहा है, तो वहाँ कूलर लगे हुए हैं और एसी के लिए भी उनको निर्देशित कर दिया गया है कि एसी को ठीक करवा करके विधिवत ठीक करवा। सर पानी वगैरह था? नहीं, कुछ कूलर्स में पानी नहीं था, उसके लिए भी हिदायत दे दी गई है कि इनको पानी समय पर भरवा दिया जाए ताकि व्यवस्था और चूंकि गर्मी भी पड़ रही है तो ठीक रहेगा। सर मलेरिया को लेकर कुछ है क्या, या कोई एडमिट है क्या मरीज? नहीं, मलेरिया के बारे में बात हुई है, पेशेंट्स निश्चित तौर पे पीवी के आ रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। एडमिट है सर? एडमिट के बारे में नहीं, एडमिट नहीं। सर दवाइयों को लेकर? दवाएं बिल्कुल बराबर दी जा रही है जी, सारी दवाई उपलब्ध है? नहीं, मेडिसिन बिल्कुल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है, सभी प्रकार की मेडिसिन उपलब्ध है और उनको प्रॉपर दिया जा रहा है।